हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको अफगानी सलवार की स्टिचिंग करना बताएंगे। हमने अपने अफगानी सलवार की कटिंग अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। अगर आप इसकी कटिंग कर देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल पर इसको देख सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। आप हमें इसकी स्टिचिंग करना बताते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, जिससे आपको सबसे पहले हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, ये हमने बेल्ट कट की थी, हमने 25 इंच की बेल्ट कट की थी। अब हम इसकी स्टिचिंग करना बताते हैं। पहले तो फ्रेंड्स, ये हमने दोनों साइड से ये कपड़े ऐसे ज्वाइंट करे, इधर से भी और इधर से भी, और एक साइड से हमने यहाँ पर नाड़ा डालने के लिए यहाँ पर ऐसे फोल्ड करना, जगह छोड़ देनी है नाड़ा डालने के लिए। तो पहले हमने इसकी बेल्ट तैयार करनी है। बेल्ट जोड़ने के बाद ये हमने सलवार की कटिंग की थी, ये हमने यहाँ पर अपनी सलवार की कटिंग की थी। हमने सलवार की कटिंग करने के बाद ये हमने यहाँ पर दोनों साइड से ये हमने आसन जोड़ लेने हैं दोनों साइड से। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ पर बेल्ट बनाकर तैयार कर ली है। देखिए, ये हमने इस तरह से ऐसे बनाकर ये बेल्ट तैयार कर ली है और ये हमने इसके दोनों तरफ आसन जोड़ दिए हैं। इसका लुक कुछ इस तरह आएगा, ये कुछ ऐसे दिखाई देगी। देखिए, अब हम इसमें चुन्नट लगाएंगे। पहले हम ऊपर, क्योंकि इसमें दोनों साइड चुन्नट लगेगी, ऊपर ऊपर की साइड और नीचे की साइड, लेकिन अब हम पहले हम इसको ऊपर की साइड चुन्नट लगा के भी दिखाएंगे। अब दोबारा से हम इसको ऐसे बिछा लेंगे। ये हमने हमारे आसन दोनों इस साइड होने चाहिए। ये निशान हम 1 इंच तक हम यहाँ पर लगा लेंगे। देखिए, हमने ऐसे 1 इंच पर ऐसे निशान लगा लिया है। चुन्नट हमेशा बेल्ट के अकॉर्डिंग लगानी होती है। ये बेल्ट हमने इस निशान पे इस तरह से रखनी है और यहाँ पर एक निशान ऐसे लगा लेंगे यहाँ पे। अब हम जो हमारी बेल्ट का आधा हिस्सा है, हम इसको ऐसे फोल्ड, आधे से भी आधा हिस्सा, जैसे आधा हिस्सा हमारा ये हो गया और आधा हिस्सा हमारा आधे से में से ये हो गया, निशान हम यहाँ पर लगा लेंगे। अब हमने इस निशान से लेकर यहाँ तक पूरे पर चुन्नट लगानी है और ये हिस्सा हमारा बिना चुन्नट वाला होगा, यहाँ तक हमने चुन्नट नहीं लगानी है। यहाँ से लेकर हमने यहाँ तक ऐसे चुन्नट लगानी है। अब हम इन पर कट लगा लेंगे जो ये निशान लगाए थे, जिसे हमें पता चल रहा है। कट हम ये लगा लेंगे। इसमें छोटे छोटे चुन्नट लगती है, ज्यादा लंबी चुन्नट इस सलवार में नहीं लगती। अब हम इसमें चुन्नट लगाना बताएंगे। ये हमने इस तरह से निशान लगा लिए हैं। अब हम यहाँ से इसको ऐसे करेंगे, यहाँ पर ये हमारा फ्रंट हिस्सा, आगे वाला हिस्सा, इसमें हम यहाँ तक ऐसे चुन्नट लगा लेंगे जो हमने ये कट लगाया है। यहाँ से लेकर और इस कट तक हम यहाँ पर ये चुन्नट लगा लेंगे। हम यहाँ से चुन्नट लगाएंगे, पहले हम इस साइड चुन्नट लगाएंगे। देखिए, जो हमारा ये कट है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा ये कट, इस कट तक हमने यहाँ पर चुन्नट लगानी है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने दोनों साइड ऐसे चुन्नट लगा ली है। अब हम इसको बेल्ट को ऐसे रखेंगे और इसको ऐसे नापेंगे। देखिए, ये हमारा नीचे वाला हिस्सा है, ये अभी काफी बड़ा है। ये अभी हमारा देखिए बड़ा है दोनों साइड से, क्योंकि अभी हमारी पीछे वाली चुन्नट बाकी है। अब हम पीछे वाली चुन्नट लगाएंगे। देखिए, हमने पीछे वाले हिस्से में ये 4 चुन्नट लगा दिए, 2 इस साइड और 2 इस साइड। अब हम इसको यहाँ पर ऐसे ज्वाइंट करेंगे बेल्ट को, जो हमने यहाँ पर नाड़ा डालने के लिए जगह छोड़ी है, यहाँ से हम इसको अटैच करेंगे। और जो हमारा ये चुन्नट वाला जो आगे का हिस्सा है, ये सीधी साइड होगी।
अब हम इसको जो हमारी ये सिलाई है बीच वाली और जो हमारी आसन की सिलाई है बिल्कुल इसको मिलाकर ऐसे रखेंगे। देखिए इस तरह हम ऐसे मिलाकर फुल राउंड और पूरे पर सिलाई लगाकर ये बेल्ट अटैच करेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये हमने यहाँ पर ऐसे बेल्ट ज्वाइंट कर ली है। जो हमारी ये नीचे की अब मोहरी है इस पर हम इस पर तागा खींचने वाले चुनट लगाएंगे। जो हम सिलाई लगा कर तागा खींचते तो उससे चुनट बनती है। यहाँ पर हम बकिया जो है अपनी मशीन का मोटा कर देंगे। हमें बड़ी सिलाई की सिलाई करनी है यहाँ पर। देखिए हमने यहाँ पर बड़ी सिलाई लगा दी है। अब हम इसमें से एक धागा खींचेंगे ऐसे। देखिए ये हमारी चुन्नट हो जाएगी इस तरह। देखिए फ्रेंड्स ये हमने ऐसे चुन्नट इसमें लगा दी है। अब हम देखिए यहाँ पर हमारा 16.5 इंच का ये हमारा तैयार हो गया है। ये हमने 16.5 इंच ली है क्योंकि हम और इसी तरह हमने दूसरे साइड से भी इसी तरह धागा निकाल कर इसी तरह से बराबर में ऐसे तैयार करना है। देखिए फ्रेंड्स जो हमने यहाँ पर ये चुन्नट डाली है ये हम इस पर ऐसे पक्की सिलाई कर लेंगे जिससे हमारी ये प्लेटें अच्छे से सेट हो जाएंगी। ये हमने यहाँ पर पक्की सिलाई लगा दी है। अब हम ये बुकरम लेंगे। ये हमने 4.5 इंच चौड़ी काट ली है, पोंछे के लिए काट लिए। ये हमने फैब्रिक पर ये बुकरम को पेस्ट कर दिया है। अब हम इस पर ऐसे टच करेंगे इसको। ये हमने उल्टी साइड रखनी है नीचे साइड और ये भी हमने ऊपर उल्टी साइड रखनी है। देखिए हमने इस पर अटैच कर दिया। ये हमने दोनों को इस तरह से ज्वाइंट कर दिया है। अब हम इसको ऐसे फोल्ड कर इसमें डिजाइन फॉलो कर इसको अटैच कर ये हमारी सलवार तैयार हो जाएगी। इसी तरह हम ये सलवार ऐसे तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये हमारी सलवार की मोहरी का डिजाइन ऐसे बनकर तैयार हो गया। ये हमने ट्रायंगल शेप की इसमें लेस लगा ली है। अब हम इसको ऐसे फोल्ड कर पूरे पर सेंटर सिलाई लगाकर ये सलवार हमारी तैयार हो जाएगी। तो हमारी ये सलवार नीचे से प्लेट डालने के बाद ये सलवार बहुत ही सुंदर और अच्छी लगेगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करे और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।